आपने अभी देखा चीज नहीं है तो वो एक क्या ये बुक चेक दे दिए। जैसे शॉप में जाते हैं चेंज नहीं होता तो 1 रुपए 2 रुपए का चॉकलेट देते हैं, तो यहाँ पटाखे की दुकान में ये 10 रुपए का मिला। श्री वेंकटेश्वर आर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ अलका। आज हम बाइक की सवारी करते हुए बनारस घूमने जा रहे हैं। पूरा बनारस इतना जगमगा रहा है, इतने लाइट्स लगे हुए हैं, कहीं पे भी अंधेरा नहीं, रोशनी ही रोशनी, चारों तरफ उजाला फैला हुआ है और लग रहा है कि दिवाली बनारस में ही मनाया जा रहा है। पूरे शॉप सजे हुए हैं। यहाँ जो स्कूटी में जो जा रहे हैं इनके पीछे पीछे हम जा रहे थे, क्योंकि क्रैकर्स आजकल मार्केट में नहीं रखा जा रहा है, ओपन प्लेस में ही रखा जा रहा है। बहुत सारे हादसे हो रहे हैं इस वजह से। और हम जब गूगल में डाले थे एड्रेस, तो उस एड्रेस के हिसाब से जहाँ पहुँचे वहाँ के पूरे ख़त्म हो गया था। फिर वहाँ पता चला कि और दो लोग बाइक में ही ढूँढ रहे थे एड्रेस, तो उनके साथ हमको जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि आप चलिए, हम लोग दिखाते हैं आपको रास्ता। तो साथ में तो यहाँ तक हम आए, बट बीच में ट्रैफिक सिग्नल आया, वो आगे निकल गए और हम लोग छूट गए। और बस फिर से गूगल में डाले, पता कर करके हम लोग गए थे। वैसे तो कहीं पे भी मिल जाता, लेकिन हमें व्लॉग भी बनाना था, बनारस शहर भी घूमना था। ऐसे तो मैं जब बाद में जा नहीं पाती, तो मैंने सोचा कि दिवाली का पूरा माहौल है, पूरा सिटी घूमा जाए, मस्त एंजॉय किया जाए। फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये शिवपुरी में है मिनी स्टेडियम। ये स्टेडियम में बहुत सारे शॉप्स लगे हुए हैं क्रैकर्स के, और पूरा चारों तरफ और बीच में ओपन प्लेस रखा गया है। बहुत सुंदर सजाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, ये कुछ नया लगा। बाकी जगह मैं घूमने जाती थी उस टाइम अलग सा माहौल रहता था, बट यहाँ स्टेडियम होने की वजह से कुछ अलग ही तरीके से सजाया भी गया है। ये पूरा स्टेडियम है और फुटबॉल ग्राउंड बहुत अच्छे से दिए से सजाया गया है। आप देख सकते हैं इधर पूरा पूजा कर रहे हैं, फुटबॉल का रंगोली, शायद फुटबॉल टीम के मेंबर्स हैं। आपके साथ थोड़ा पूछना था, तो यहाँ किस किस में पूजा हो रहा है? दीपावली का माहौल है और ग्राउंड में ये फुटबॉल की परंपरा शुरू से नियम रहा है कि यहाँ पर दीपावली के दिन ग्राउंड सस्ता है। और जैसे कि पहले जी और जैसे कि पहले बाहर ही दुकान लगती थी, बाहर हादसे होने लगे, ग्राउंड में लगने लगे। सरकार ने कहा कि ग्राउंड में लगेंगे दुकानें, तो पहले यहाँ से लेकर वहाँ तक फुल ग्राउंड में पूरी कैंडल्स लगती थी, दिया लगता था। लेकिन अब जैसे जैसे दुकानें बढ़ रही हैं तो थोड़ा हम लोग छोटे में लगाते हैं, और ये फुटबॉल ग्राउंड में तरीके से हर साल दीपावली मनाते हैं। तो आप लोग का ये पूरा टीम है यहाँ जी, ये न्यायिक फुटबॉल, एक साथ आप लोग हैप्पी दिवाली बोल सकते हैं। चलिए इधर सब एक साथ हैप्पी दिवाली बोलते हैं। 3 2 1 हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। बहुत ही यहाँ के सीनियर हैं हमारे, उनका नाम ब्रजेश मौर्या है, ये यूपी पुलिस में है, यूपी पुलिस में जॉब करते हुए भी। हाँ चाय भी मिल गया है, चलो सबकी खुशी में हमारी भी खुशी है। दिवाली का सेलिब्रेशन अब लग रहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है यहाँ पे। पूरा अभी भी बच्चे जहाँ जहाँ बुझ रहे हैं सब दिया जला रहे हैं। हाँ दिया तो नहीं, कैंडल जला रहे हैं, बहुत अच्छे से सजता है कह रहे थे जैसे आपने सुना। और आगे का कोई थीम है वहाँ पे क्या हो रहा है चल रहा है। फुटबॉल टीम थे तो देखिए यहाँ पे हॉकी टीम के ग्रुप के कोच हैं, और यहाँ पे पूजा हो रहा है, बच्चे बहुत अच्छे से पूजा कर रहे हैं। और ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, बनारस में आई और यहाँ पे बहुत देर से ढूंढ रही थी, ये प्लेस मिला है। और
साल में 8-10 बार जाते हैं। चलिए देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें देखने को मिल रहा है और यहाँ के बच्चे 7-8 बार जाते हैं कॉम्पिटिशन में खेलने। तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है, कह रहे हैं चलिए बच्चों के पास जाते हैं, वहाँ से उनका क्रिकेट हॉकी टीम का नारा सुन के आते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लेयर्स हैं, और इतने छोटे छोटे, मुझे लगा कि बड़े बच्चों का अलग इनका अलग ग्रुप होगा, बट नहीं, सब साथ में खेलते हैं। तो जब भी इनका कुछ गेम होगा तो मैं जरूर देखना चाहूँगी और मैं कॉन्टेक्ट नंबर लूँगी, होगा तो मैं चलूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। ओके ओके। यहाँ सेफ्टी का भी बहुत ध्यान दिया गया है, एक तो बीच में गैप रखे हैं, साइड्स में पूरे शॉप्स हैं, और अगर कहीं पे भी चिंगारी वगैरह लगने से आग लगने का डर रहता है तो उसको बुझाने के लिए आग बुझाने वाली गाड़ी का भी इंतज़ाम किया गया है। तो जब इतना अच्छा सुविधा है, इतना ध्यान रखा जा रहा है, तो बस यहाँ पर कोई भी शॉपिंग करते हैं या क्रैकर्स खरीदते हैं तो बस यहाँ पे क्रैकर ना जलाया जाए, इस बात का ध्यान देना है। क्या है ये आकाश दीप, क्या बोलते हैं? दो एक 10 रुपीज ले। अच्छा, आपने अभी देखा चेंज नहीं है, तो वो एक क्या ये बुक चेकर दे दिए हैं, जैसे शिवता तो 1-2 रुपए का चॉकलेट देते हैं, तो यहाँ पटाखे की दुकान में ये 10 रुपए का मिला। ये सही है, सौदा सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, हम लेके आ गए। को क्या क्या लेना है? मुझे इस बार ज्यादा कुछ नहीं लेना। अनार कैसे दिए? कैसे तेरे? कैसा चाहिए आपको? मीडियम साइज। ये कौन सा साइज? मीडियम है। ये साइज कितना है? पर मजबूरी है हमारी, नहीं हो जाएगा। वो छोटे छोटे से होते ना बाइक करके जो ऐसे है वो एक पैकेट कितने का? 6 पैकेट। कोई डिस्काउंट नहीं है क्या? डिस्काउंट बनता है भाई, इतने दूर से हम ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं। बहुत बड़ा डिस्काउंट बोले यहाँ पे वो है, होलसेल रेट है, अभी और लेना है। लैंप ले लिए, अभी इस साल होएगा कि नहीं पता नहीं, पिछले साल कभी भी रखा हुआ है, खराब हो गया था। चलिए मुर्गा छाप दे रहे हैं, मैं बोली मुर्गा बांग लगा के भी सो गया तो हो गया, हमारा अनार तो बीच में ही रह जाएगा। दीजिए भैया, नया दिख रहा है, कुछ अनार बम बोल रहे हैं, लेके देखें क्या। ये कितने का है? 50 रुपए। चलो एक बनता है। एमो तो दिन को ये अनार बम है, अनार फोड़ने के बाद फिर फूटेगी, जैसे अनार जल के बंद हो जाता है ये उसके बाद फूटने वाली है। अनार भी कभी कभी ब्लास्ट होता है, बहुत बार हो चुका है। फाइनली हम पूरा शॉपिंग कर लिए हैं, इस साल बहुत कम लिए हैं, पिछले साल कोरोना की वजह से नहीं मनाया गया था और लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि चलो कोरोना चला गया, पटाखे तो फोड़ सकते हैं, बट साउंड पोल्यूशन होता है और बहुत एयर पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है,
इसलिए हम लोग धीरे धीरे कम कर रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा, जब विलेज छोटा था तो उस टाइम भी बहुत लेते थे, और धीरे धीरे एक साथ में कोई चीज़ को कम नहीं करना चाहिए। तबीयत भी ख़राब होता है तो एक साथ कोई चीज़ छोड़ते नहीं है, धीरे धीरे करके हम डोज कम करते हैं ना। वैसे ही क्रैकर्स वगैरह भी हम कम कर दे रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल बहुत ही कम, इतना ही हमने किया है। नहीं तो पहले बॉक्स भर जाता था, और यहाँ बहुत सारे वेराइटीज़ नए नए सब लगाए इन्होंने। अगले साल फिर आके देखते हैं कुछ और जगह, और हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी दिवाली। अच्छा लग रहा है, पर इसमें ऊपर से दिया लगा हुआ नहीं है। पहले जब हम लोग लेते थे, लक्ष्मी माता के हाथ ऊपर से होते हुए दिया रहता था, और पूजा करने में बहुत अच्छा लगता था। पर वो ट्रेंड अभी मिल नहीं रहा है, तो लक्ष्मी माता भी अपना रूप बदलने जा रही है। दुनिया जैसे बदल रहा है, लोग भी बदल रहे हैं, भगवान का मूर्ति को भी बदल रहा है। नहीं, लक्ष्मी माता को हम अपने घर लेके चलते हैं। कम नहीं थोड़ा एक लक्ष्मी जी का वो मैंने लिया, कह रहे हैं कि लक्ष्मी गणेश को अलग नहीं करना है। तो अभी एक और ऑफर दिए है मुझे, ये वाइट साड़ी में और ऑरेंज साड़ी में। चलो, ये लक्ष्मी जी भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, तो मैं ये रख लेती हूँ कलर। फूल कैसे थी माला? चार पाँच ऑरेंज दे दीजिए। ऑरेंज खत्म हो गया। ये हाथी है, बचपन में हम लोग देखते थे गांव में, ये चीज़ अभी भी यहाँ फॉलो कर रहे हैं, और देखने में तो क्यूट लग रहा है। ये देखिए घोड़ा है, क्यूट सा घोड़ा भी है, और मिट्टी भी होता है, तोता भी होता है ना, वही सब एक अलग ब्रांड है। घड़ा एकलौंज, ये घड़ा है, ऐसे देखो तो अंडा लग रहा था। हमने घड़ा लिया, हाथी लिया और घोड़ा भी लिया। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। गाय है, गाय माता का रूप ही बदल गया।